हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रीमी और टेस्टी डिलीशियस सा पास्ता, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। चलिए बनाते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पर हमने पास्ता लिया है, ये 500 ग्राम के करीब है पास्ता। यहाँ पर एक मैंने बड़े से टोपिया में पानी रखा है, ये हाफ पानी है, ये गर्म होने लगा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम ऐड करेंगे, मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है, 2 टेबलस्पून हम इसमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल का यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारे पानी में एक उबाला आ गया है, अब हम इसमें ये पास्ता को ऐड कर देंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें पास्ता को ओवर कुक नहीं करना है, हमें इसे हाफ कुक करना है, सेमी कुक करना है, ये हाफ कुक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होने से पास्ता हमारा गल जाएगा। इसमें अब हम साथ में ऐड करेंगे, मेरे पास हाफ कप ऑफ स्वीट कॉर्न है, अगर आपके पास है अवेलेबल तो आप ऐड कीजिए, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पास्ता अच्छे से बॉयल होने लग गया है, आप देख सकते हैं ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। हम गैस थोड़ा सा सेमी कर देंगे यहाँ पे मीडियम में। अब हम चेक करेंगे हमारा पास्ता हो गया है क्या। इसके लिए आपको एक पास्ता लेना है और ये थोड़ा सा गर्म है, आप ध्यान रखें और इस तरह से कट करके देखें कि हो रहा है, मतलब ये रेडी हो गया है। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, मैं इसे गैस बंद कर दूंगी क्योंकि जब हम इसको बनाएंगे तभी भी ये थोड़ा सा पकेगा, तो बस अब हम इसे 10 सेकंड हिलाते हुए इसको ड्रेन कर लेंगे। अब हम कोई भी इस तरह का चालनी लेंगे और इसमें हम इसको धीरे धीरे करके इस तरह से निकाल लेंगे, पानी पूरा हमें बाहर ही छोड़ देना है। पानी ड्रेन करने के बाद ये हमें इस तरह से प्लेट में निकाल लेना होगा। ये देखिए हमने सारा पास्ता को अपना ड्रेन कर लिया है, इसे अब हम एक थाली में निकाल लेंगे। 2 पार्ट में हम इसे निकाल कर इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग कर देंगे जिससे ये चिपके ना। ये पास्ता मैंने 2 प्लेट में डिवाइड कर लिया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ये हम इसमें दोनों में इस तरह से डाल देंगे और डालने के बाद हमें क्या करना है, इससे इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि पास्ता एक दूसरे में चिपके ना और खुला खुला रहे। मार्केट वाले यही ट्रिक अपनाते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल का डाला है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मेरे पास कुछ कटिंग शिमला मिर्च ग्रीन है, कुछ रेड येलो शिमला मिर्च है और कुछ प्याज का डाइस है, ये हम इसमें डालकर हमें इसको हल्का सा सॉटे करना है, कुक नहीं करना है ओवर, बस हमें इसे हल्का सा सॉटे करना है, हम सब साथ में ही डाल देंगे। ये देखिए ये सॉटे हो गया है, यहाँ पे मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसे हम अलग से रख देंगे, अभी बाद में यूज़ करना है हमें इसे। हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून बटर लिया है, ये आपकी चॉइस है, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो 3 लें, नहीं तो 2 लें। इसके बाद यहाँ पर मैं 1 टीस्पून, ये मेरे पास चॉप्ड गार्लिक है, वो मैं इस बटर में ऐड कर दूँगी। ये देखिए बटर हमारा मेल्ट हो गया है, मैं आपको बता दूँ ये होममेड बटर है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग इसको घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही शुद्ध बटर बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदे का, इसे हमें जलाना नहीं है, हमें इसे हल्का सा ऐसा सेकना है कि बस इसका कच्चापन निकल जाए, मतलब हमें इसे काला नहीं करना है, सिर्फ इसका कच्चापन निकालना है। ये देखिए ये सिक गया है बहुत ही बढ़िया, ये बिल्कुल भी देखिए मैंने सुनहरा नहीं किया है ज़्यादा, ये बहुत अच्छा देखिए इस तरह से सिक चुका है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे मिल्क, ये हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और ताकि इसमें लम्स ना बने, मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर के करीब दूध लिया है, इसे डालकर मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, कोई तरह का देखिए लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है और अब हम इसे थोड़ा सा ये फटाफट से गाढ़ा होने लगेगा, आप देखिएगा हमें इसे इस तरह से मिलाना है 1 से 2 मिनट। ये देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा पड़ने लगा है, आपको दिख रहा होगा इसका कोटिंग इस पे आने लगा है, तो ये थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। अब ये देखिए क्रीमी टेक्सचर हो गया है, यहाँ पर ये जो हमने पास्ता देखे ये इस तरह का गाढ़ा काफ़ी होने लगा है, यहाँ पर अब हम ये जो पास्ता बनाए थे ये हम इसमें ऐड कर देंगे पूरा पास्ता, हमें इसमें देखे कितनी फ्लोइंग पास्ता है, कोई तरह से चिपका नहीं है क्योंकि हमने ऑयल लगाया था इस पर,
ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और तब तक अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं नया रेसिपीज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर मैंने गैस थोड़ा कम से कर दिया है, ये अब हम इसमें मिक्स करेंगे। और साथ साथ में मैंने जो ये सब्जी सोटे करके रखी थी हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब ये भी हमें इसमें मिला देना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये कलरफुल बिल्कुल मार्केट स्टाइल तैयार हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ओरिगैनो, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। मैं यहाँ पर लगभग 1 टीस्पून ओरिगैनो ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगी, थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने नमक पहले से डाला है तो हम थोड़ा नमक कम ही डालेंगे। यहाँ पर स्वाद अनुसार आप डालें। यहाँ पर हम थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च, ये भी आप थोड़ा अपने हिसाब से डालें जैसा आपको मिर्च पसंद है। मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून लिया है, देना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रीमी है ये। और अब हमें क्या करना है, ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, होममेड है। ये किस तरह से हम घर पे आसानी से बना सकते हैं इसका रेसिपी आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका रेसिपी डाल दूंगी, आप ज़रूर से देखें। और नहीं तो फिर आप बाज़ार वाला यूज़ कर सकते हैं, बट ये बहुत इजीली और बहुत ही अच्छे से घर में बन जाता है। ये हम लगभग 3 टेबल स्पून इसमें यूज़ करेंगे। अब हम इसे डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है, जिससे कि इसमें थोड़ा सा पिंक टेक्स्चर आए। अब ये थोड़ा हमें ड्राई लग रहा है तो यहाँ पर मैं 1/2 कप दूध और ऐड करूँगी। मैंने 1 टेबल स्पून पास्ता सॉस और लिया है, थोड़ा अच्छा हम इसे क्रीमी देंगे टेक्सचर इसके लिए। देखिए कितना सुंदर ये कलर हमारा आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ऐड करना है चीज़, ये बिल्कुल रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलरफुल हमारा पास्ता रेडी है। यहाँ पर मैंने 2 क्यूब लिया है चीज़ का, वो हम इसमें घस देंगे। ये आपकी चॉइस है बिल्कुल, आपको कितना चीज़ डालना है इसमें, आप जितना डालोगे उतना टेस्टी बनेगा, बट 2 क्यूब इनफ होते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें मिल्क है तो ये काफ़ी क्रीमी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये पूरा चीज़ हमें इसमें मिक्स कर देना अच्छे से। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये मिक्स होकर रेडी हो गया है, बहुत ही क्रीमी और टेस्टी पास्ता बना है हमारा। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। बाय।